अध्याय 9 उदाहरण 1 प्रश्न। चित्र 18 में ओ ए व ओ बी विपरीत किरणें हैं। कोण ए ओ सी व कोण बी ओ सी के माप क्या होंगे? हल। ओ ए और ओ बी विपरीत किरणें हैं, चूंकि कोण ए ओ सी व कोण बी ओ सी रेखीय युग्म बनाते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कोण ए ओ सी धन कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश। अब चित्र में देखिए कोण ए ओ सी बराबर है कोण ए ओ डी धन कोण डी ओ सी धन कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश। कोण ए ओ डी का मान है x धन 20 अंश, कोण डी ओ सी का मान है x अंश और कोण बी ओ सी का मान है 2x अंश बराबर 180 अंश, 2, 3 और 1 4x अंश धन 20 अंश बराबर 180 अंश या 4x अंश बराबर 180 अंश ऋण 20 अंश हमें मिलता है 4x अंश बराबर 160 अंश। हमें मिलता है x अंश बराबर 160 अंश बटे 4 या x अंश बराबर 40 अंश। तो हमें x का मान यहाँ पर मिलता है 40 अंश। इसलिए कोण ए ओ सी बराबर कोण सी ओ डी धन कोण डी ओ ए। चित्र में आप देखिए देख सकते हैं कि कोण ए ओ सी बराबर कोण सी ओ डी धन कोण डी ओ ए। कोण सी ओ डी का मान है x अंश और कोण डी ओ ए का मान है x धन 20 अंश। इस तरह से हमें मिलता है 2x अंश धन 20 अंश। x का मान रखने पर 2 गुणा 40 अंश धन 20 अंश या हम इसको लिख सकते हैं कोण ए ओ सी बराबर 80 अंश धन 20 अंश। इस तरह से हमें मिलता है कोण ए ओ सी बराबर 100 अंश। इसके बाद हमें मान निकालना था कोण बी ओ सी का। चित्र में देखते हैं हम तो कोण बी ओ सी बराबर है 2x अंश। x का यहाँ पर मान रखेंगे तो 2 गुणा 40 या हम कह सकते हैं 80 अंश। तो इस तरह से कोण बी ओ सी बराबर हमें 80 अंश मिलता है। तो उत्तर हमारे लिए हो गया कोण ए ओ सी 100 अंश और कोण बी ओ सी 80 अंश।